ग्रीटिंग्स फ्रॉम मुंबई. मैं अभी आया हूँ आज मुंबई घूमने के लिए, और क्योंकि मैं गरीब इंसान हूँ, मैं सिर्फ 100 रुपये में ही मुंबई घूम सकता हूँ. मेरे पास सिर्फ 100 रुपये, तो देखते हैं कि 100 रुपये में मुंबई कैसे घूम सकते हैं और क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं. मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मुंबई सेंट्रल से. मुंबई सेंट्रल लेफ्ट साइड में मेरे मुंबई सेंट्रल स्टेशन है, और वहाँ से मैं अपना जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ. छोटा सा ट्रिप है मेरा, आज एक ही दिन का ट्रिप है, जो मैं 100 रुपीज़ में 100 रुपीज़ के बजट में क्लियर करने वाला हूँ. सो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं. मैं अभी हूँ मुंबई सेंट्रल स्टेशन के बाहर, और मुझे लगी है भूख, तो मुझे नाश्ता करना है. तो मुंबई में अगर नाश्ता करना है आपको, तो यहाँ का जो स्टेपल फूड है, वड़ा पाव और एक कटिंग. वड़ा पाव दो ना. पेट तो भर गया मेरा अभी, तो मैं अभी जा रहा हूँ मराठा मंदिर DDLJ देखने. DDLJ मराठा मंदिर में 25 साल से मूवी चल रहा है, ऑलमोस्ट 25 साल से, और आज भी ये मूवी चलता है. और मैंने पहली बार पूरा मूवी देखा है ज़िंदगी में DDLJ, तो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस. अभी भूख लगी है, तो कुछ खाने को चलते हैं. पूरी भाजी तो ना, पूरी भाजी ना मिलता है, पूरी पूरी भाजी. हाँ, वही फिर चटेरों का काम कर ले. तीस रुपये में 8 पूरी और भाजी मिला मुझे. ये मराठी मंदिर के सामने ही एक स्टॉल है, जहाँ पे दाल राइस 20 रुपये को मिलता है, और राइस प्लेट पूरा 40 रुपीज़ को मिलता है. मुझे राइस खाना नहीं था, क्योंकि मुझे और भी घूमना है, तो मैंने पूरी भाजी लिया वहाँ से, जो मेरे को 30 रुपये में पड़ा, लेकिन बहुत अच्छा था, टेस्टी और अफोर्डेबल दोनों था. अभी मैं जा रहा हूँ इंडियन म्यूज़ियम देखने को, इंडियन सिनेमा का म्यूज़ियम देखने को. बहुत ही ब्यूटीफुल म्यूज़ियम था, लेकिन अंदर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, सो मुझे कुछ अंदर शूट नहीं करने मिला. म्यूज़ियम में बहुत पुराने कैमरास थे, और इंडियन सिनेमा हिस्ट्री दिखाया था पूरा, तो आप सबको चेकआउट करना चाहिए म्यूज़ियम. अभी मैं जा रहा हूँ गिरगांव चौपाटी. मेरे पीछे है अभी हजी अली. हजी अली मुस्लिम्स का वर्शिप प्लेस है. म्यूज़ियम से गिरगांव चौपाटी थोड़ा दूर है, अभी मुझे समझ में आ रहा है. तो बच्चों, ये है गिरगांव चौपाटी, और मुझे यहाँ आते आते बहुत देर हुआ, क्योंकि मैंने गलत राइट लिया और मैं पहुँच गया वर्ली. सो एक्चुअली पास है मराठा मंदिर से, सॉरी म्यूज़ियम से पास है गिरगांव चौपाटी, लेकिन मैंने गलत राइट लिया. तो अगर आपको कोई भी अगर आपको यहाँ पे घूमने का प्लान बनाना है, तो थोड़ा सा पहले रिसर्च कर लीजिए, ऐसे ही मत निकलिए मेरी तरह, नहीं तो आप भटक जाओगे.
हमारे पास सिर्फ अभी 20 रुपये बचे और मुझे भूख लगी, तो देखते हैं 20 रुपये में क्या मिलेगा यहाँ पर। लेट्स सी। आता हूँ। गिरगांव चौपाटी पे खाना बहुत महंगा है, मतलब हमारी औकात से बाहर ही है। वहाँ पे चीज़ें चालू होती है 40 रुपये से और हमारे पास सिर्फ 20 बचे, 20 रुपये। ये क्या है, ताजमहल? अभी जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ उसे कहते हैं मरीन ड्राइव। फिर से आज सैटरडे, इसके लिए यहाँ पर बहुत गर्दी है और मुझे यहाँ पे कुछ खाने को भी नहीं मिल रहा है। भूख तो बहुत लगी है, तो चुपचाप चलते हैं मुंबई सेंट्रल और वहाँ पे कुछ ना कुछ तो हमें खाने को मिलेगा। फाइनली कुछ तो मिल गया खाने को, बहुत मिल रहा है। खत्म पैसा, पैसा खत्म। बस अभी ट्रेन पकड़ूंगा, घर के लिए निकलूंगा। आज बहुत मजा किया।